सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी एंड आज हम करने वाले हैं एरे पर बात। बेसिकली हम एरे के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और एरे को समझने की कोशिश करेंगे। एरे में आपकी लॉजिक बिल्डिंग ठीक हो जाएगी इस वीडियो के बाद, ठीक है? तो देखते हैं। बेसिकली व्हाट इज एन एरे, एक एरे क्या होता है? तो एक एरे सिंपली एक डेटा टाइप होता है जो सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करता है, ठीक है? ये बेसिक बेसिक चीजें जो आपको आती होंगी। मैं एरे में यहाँ आया हूँ, आपको थोड़ा सा वेक्टर बता दूँ, क्योंकि कई ऐसे मेरे जानने वाले हैं जिनको वेक्टर्स में प्रॉब्लम होती है, कैसे वेक्टर को हैंडल करते हैं। थोड़ा सा हम वेक्टर जानेंगे कि अगर हम एक फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास करके दिया है वेक्टर, तो उसको हम कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। थोड़े एरे देखेंगे, थोड़ा एक एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैं स्ट्रिंग को एरे की तरह ट्रीट करता हूँ, ठीक है? और हम एरे के न्यूमरस न्यूमरस क्वेश्चन, अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हमें लॉजिक समझ में आना चाहिए कि हम कैसे उस अप्रोच तक पहुंचे, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल भी बनाई है, जिसमें हमने क्वेश्चंस भी लिखे हैं कि हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बेसिकली पहले मैं एरे पर बात कर लेता हूँ। एक एरे क्या होता है? सिंपली एक डिराइव डेटा टाइप, एक डेटा टाइप होता है जो हमारा सिमिलर एलिमेंट्स को स्टोर करता है, ठीक है? सिमिलर एलिमेंट्स को स्टोर करने से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल वो इंट स्टोर कर लेगा, फॉर एग्जाम्पल वो कैरेक्टर स्टोर कर लेगा, फॉर एग्जाम्पल वो बुलियन स्टोर कर लेगा। सिर्फ बुलियन ही करेगा, सिर्फ इंटीजर ही करेगा, सिर्फ कैरेक्टर ही करेगा। तो इस तरह के डेटा टाइप को हम एरे बोलते हैं। हम इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? कुछ इस तरीके से, स्क्रीन पर देखिए। इंट ए आर आर ऑफ जो भी आपका साइज है वो, और इस तरीके से हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। सिंपली ये तरीका होता है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने सीपीपी फाइल बनाई है, तो इस तरीके से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। मैं फिर से करके दिखा देता हूँ आपको कि अगर आपको एक एरे बनाना है तो आप सिंपली क्या करेंगे। इंट ए आर आर ऑफ साइज 5 मान लीजिए आपको बनाना है, तो इस तरीके से बना लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए एलिमेंट्स, जो 5 एलिमेंट्स हैं उसके। तो ये हमारा सिंपल सा एक एरे बन गया है, ठीक है, जिसमें 5 एलिमेंट्स हमारे हैं। वन थ्री फाइव, ठीक है। हमने यहाँ पे एक कॉमा एक्स्ट्रा लगा दिया, तो अब ठीक है, अब नहीं आएगा, ठीक है? तो ये हमारा एक एरे डिक्लेयर हो गया। अब एरे में जानने वाली बात ये है कि जो एक एरे होता है उसमें हमेशा जो इंडेक्सिंग होती है वो जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है। एक एरे में जो इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है। इस बात का क्या मतलब होता है कि ये जो वन है इसकी इंडेक्सिंग जीरो होगी, देन हमारा थ्री का जो इंडेक्स रहा होगा वो वन रहा होगा, देन फोर का टू रहेगा, ठीक है, फाइव का थ्री रहेगा और फोर का फोर रहेगा। ओवरऑल जो साइज है उससे -1 तक ही इंडेक्स हमारा वेरी करता है, फ्रॉम 0 to n-1, अगर n साइज है हमारा। एक चीज ये समझ में आई, ठीक है? अब बेसिक बेसिक चीजें देखते हैं कि हम एक एरे को इनपुट कैसे लेते हैं, फिर हम उसको प्रिंट कैसे करते हैं, फिर मैंने उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, हम उनको भी करेंगे और फिर हम देखते जाएंगे आगे। तो एक एरे को इनपुट कैसे लेते हैं? मान लो मेरे को साइज के साथ इनपुट लेना है, तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल इंटीजर बनाऊंगा और मैं यूजर से कहूंगा, मैं देख के पता चल गया होगा आपको फाइल का नाम इंट्रो डॉट सी पी पी, कि मैं इस लेक्चर में थ्रू आउट सी प्लस प्लस फॉलो कर रहा होऊंगा, ठीक है? तो बेसिकली हम सबसे पहले हमने एक इंटीजर बनाया और अब हम सीन ले लेंगे एन को, ताकि हमें एरे का साइज पता चल जाए, ठीक है? देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपली करने वाले हैं एक एरे डिक्लेयर करेंगे जो कि एन साइज का ही होगा, और हम यूजर से कहेंगे कि इस एन साइज के एरे में एन एलिमेंट्स हमें दे दो। अब वो एन एलिमेंट्स हमें रिपीटेड काम करना है, या तो मैं एन बार सीन लिखूं, सीन एरे ऑफ जीरो, सीन ए आर आर ऑफ वन टू थ्री, इस तरीके से। तो ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए, हम क्या करने वाले हैं, सिंपली हम एक फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। हम चाहे तो व्हाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि लूपिंग ही तो हम यूज करेंगे, तो मैं फॉर लूप यूज करने वाला हूं। तो हम करेंगे सिंपली फॉर इंट आई, 0 से स्टार्ट करेंगे, और अभी बताया था इंडेक्सिंग वेरी करती है टिल n-1 तक, तो लेस देन n भी लिख दूंगा तो वो n-1 में ही आ जाएगा। या तो लिख दू लेस देन इक्वल टू n-1, या लिख दू लेस देन n, तो वो ऑटोमेटिकली n-1 तक ही आ रहा होगा। और देन आई प्लस प्लस, सिंपली इस तरीके से करेंगे और सीन ले लेंगे हम ए आर आर ऑफ आई को। दैट्स इट, ये हमने एरे ले लिया है। अब अगर हमें प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि हमें पता रहे कि वो प्रिंट हो रहा है। फॉर प्रिंट कैसे करेंगे, सेम हम फॉर लूप लगाएंगे, 0 से लेकर आई इज लेस देन एन और आई प्लस प्लस,
इस बार हम सिंबल्स चेंज कर देंगे, सी इन की जगह हम सी आउट लगा देंगे। आप इसे अपने सी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में भी आप करना चाहते हैं उसमें कर लीजिएगा, बस लैंग्वेज तो क्या, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो एक बार हम इसे रन कर लेते हैं। तो हमें यूज़र मांग रहे हो, तो साइज हम देंगे सबसे पहले। एक्चुअली हमने फाइल ही सेव नहीं करी तो ये रन नहीं करेगा कोड। लेट मी सेव द फाइल, देन अब हम रन कर लेते हैं। तो व्हाट विल बी द साइज ऑफ द फाइल, लेट इट बी 5। आई एम सॉरी, इट हैज गॉन टू समवेयर एल्स। ओके ओके, हमने ये कोड लिख लिया है, अब इसे रन कर लेते हैं एक बार कि क्या होता है। ठीक है, तो हम करेंगे रन कोड सिंपली। यहाँ पे हम साइज देंगे एरे का, हमने 5 साइज दे दिया है। ठीक है, अब वो 5 एलिमेंट्स दे देते हैं, 1 2 3 4 5। एंटर मारेंगे, उसने प्रिंट करके दे दिया। हमें स्पेसेस नहीं रखे क्योंकि हमने स्पेसेस दिए नहीं थे। अगर मैं स्पेस दूं यहाँ पे तो वो स्पेस के साथ प्रिंट करके हमें दे देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ रन कोड करूँ अगेन और मैं 5 एलिमेंट्स उसको एंटर करवाऊँ, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 5 और 4, तो वो हमें स्पेसेस के साथ प्रिंट करके दे देगा। तो ये हमारा तरीका हुआ किसी भी एरे को इनपुट लेने का और किसी भी एरे को प्रिंट करने का। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ओके, अब एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन लिस्ट से ही अब सारे क्वेश्चंस उठाएंगे। पहला है प्रोग्राम टू एंटर अ एरे एंड डबल द डेटा एंड डिस्प्ले। हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है सिंपल सा, ताकि वो एरे ले और डबल कर दे उसको। तो सिंपली क्या करना है, हमने इसी में चेंजेस करते हैं। हमने इनपुट तो ले रखा है, ठीक है, ओके, देन हमने इनपुट ले रखा है, बस डबल करना है। तो डबल करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो भी हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं इसको हम स्टार 2 कर देंगे और सेव कर देंगे। आई होप अब ये हमारा रन हो जाएगा विदाउट एनी एरर और हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। हम 5 एलिमेंट्स देते हैं, लेट से 2 5 6 4 और 8। तो इनका डबल क्या आना चाहिए, 4 10 12 8 और 16। तो वही आया 4 10 12 8 16। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, क्वेश्चन नहीं है, वार्म अप है। ठीक है, अभी अभी थोड़ा सा वार्म अप चल रहा है, फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। इसको हटाते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोग्राम टू एंटर सेल्स डेटा ऑफ एन सिटीज एंड डिस्प्ले देयर टोटल एंड एवरेज। बेसिकली हमें एन सिटीज का टोटल लेना है। एन सिटीज जो हमें एक होगा कोई सिनेरियो, हमें क्या बता, तो कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिली है, उसके बेसिस पे हमें कोड करना है कि क्या सिनेरियो है। एन सिटीज है, उनका हमें सेल्स का डेटा लेना है, उसका टोटल निकाल के देना है। मतलब इसमें हम नई चीज क्या सीखेंगे, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन एरे सीखने वाले हैं। दूसरा हम क्या सीखेंगे, एवरेज। एवरेज तो आपको आता ही है कि अगर एन सिटीज है तो एन से डिवाइड कर देंगे सम को, दैट्स इट। उसके बाद एक और पार्ट था उसका, उसको हम आगे देखेंगे, अभी पहले इतना प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एन सिटीज चाहिए, तो एन हमने सिटीज बना ली। ठीक है, क्या मैं इसे अलग अलग करूँ? अगर मैं इसे अलग अलग करूँगा तो मैं आपके लिए से गिटअप पे पुश कर पाऊंगा। हाँ, तो मैं इसे अलग अलग ही करता हूँ। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, वार्म अप वाले सेक्शन को यहीं रखते हैं हम, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि यहाँ से आप कोड देख सकें बाद में। तो अब यहाँ से हम सिटीज वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एन सिटीज चाहिए, तो हमने इंटीजर बना लिया, उसे यूजर से सीन ले लेंगे कि कितनी सिटीज उसने दी हमें, फिर हम उतने का ही एक एरे बना लेंगे। क्योंकि बेटा सेल्स की बात हो रही है, आई एम सॉरी बेटा बोला, भाई बोल दो तो क्योंकि यहाँ पे सेल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो हमें सेल्स ये पता है कि सेल्स इंटीजर में ही होंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ नंबर ऑफ सेल्स होंगे ना, कि 10 बिके 15 बिके इस तरीके से, तो इंटीजर में ही होगी। अभी एक्चुअल सिनेरियो में पता नहीं कि पैसों की बात हो रही है किस चीज़ की, बट हम मान के चलते हैं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बिके उसकी सेल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो वो इंटीजर में हमने एज्यूम करे और उसका साइज हम एन डिक्लेयर कर देंगे, सिंपल। ठीक है, देन अब हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपली अपना एक फॉर लूप लगाएंगे और हम क्या करने वाले हैं, सी इन ए आर आर ऑफ आई करने वाले हैं, दैट्स इट। ठीक है, ये हमने अब अपने नंबर ऑफ सेल्स जो भी थी सारे के सारे हमने एरे में स्टोर कर लिए। अब हमें क्या निकालना है, इनका सम निकालना है, बेसिकली टोटल निकालना है। तो टोटल हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें टोटल निकालने के लिए एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो इट लेट्स टेक इट एज सम, जिसको हम जीरो से इनिशियलाइज करते हैं अभी के लिए, और फिर एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन एन,
आई प्लस प्लस। अच्छा ऊपर भी आई यूज किया, नीचे भी आई यूज किया, किसी को ये डाउट तो नहीं है? ऊपर वाले का लोकल स्कोप था वो उस वाले फॉर लूप में खत्म हो गया, इस वाले का भी लोकल स्कोप यही फॉर लूप है, यहाँ से बाहर वो खत्म हो जाएगा। बस इतना समझा करो कि दो ब्रैकेट्स तक ही स्कोप रहता है लोकल वेरिएबल का। ठीक है ओके, कर ली ब्रेसेस। ओके तो आइज अब हम क्या करने वाले हैं, जो भी नया मैं कहूंगा, जो भी अब एलिमेंट आया, फॉर एग्जाम्पल ए आर ऑफ जीरो से स्टार्ट हो गया, तो ए आर ऑफ जीरो आया मैंने सब में ऐड कर दिया, फिर ए आर ऑफ वन आएगा फिर मैं सब में ऐड कर दूंगा, फिर ए आर ऑफ टू आएगा फिर मैं सब में ऐड कर दूंगा। तो बस इतना ही करना है कि जो भी एलिमेंट आए उसको सिंपली ऐड करते जाओ अपने सम में। ठीक है तो हम ये करेंगे, सम प्लस इज इक्वल्स टू ए आर ऑफ आई, दैट्स इट। ये अब हमें अब जब तक एरे खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हमें सम लाकर दे देगा, दैट्स इट। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें सम प्रिंट करना है, तो हम सम प्रिंट कर देते हैं, सी आउट सम। ओके और हम यहाँ पे लिख देंगे सम, क्योंकि तो वही हमारा वेरिएबल है, और लेट्स गिव अस सम स्पेस। ओके और हमें फिर क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है इसका एवरेज ना, तो एवरेज कैसे प्रिंट करेंगे, सिंपली हमें सम ही प्रिंट करना है, उसको डिवाइड कर देना है एन से, यही तो एवरेज होता है, दैट्स इट, खत्म। सेव सेव करेंगे और रन करेंगे इसे। तो ठीक है मान लेते हैं हमें चार जगह की सेल्स निकालनी है, एक जगह पे 15 प्रोडक्ट बिके, एक जगह पे 56 बिक गए, एक जगह पे 89 बिक गए, और एक जगह पे केवल एक ही बिका, तो सम आया 161। ओके हमने स्पेस नहीं दिया इसकी वजह से एरर आ रहा है, अब बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सम आया 161 और एवरेज आया 40, कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 प्लस 56 90, 90 प्लस 15 105 समथिंग, और 105 प्लस 56 161। ओके एंड 161 को हम 160 मानेंगे क्योंकि ये टोटल हमारे फोर थे, तो फोर और फोर, ठीक है बिल्कुल सही आया एवरेज भी हमारा, ठीक है क्योंकि 160 डिवाइडेड बाई फोर हमारा 40 ही आएगा। ठीक है तो ये हमारा बिल्कुल सही काम करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेस नहीं दिया हमने, स्पेस स्पेस खुद से दे लीजिएगा। ठीक है ओके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें बोला है प्रोग्राम टू स्क्वायर एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, इसी को हम इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं कि हमें सिंपली क्या करना है, जो भी एलिमेंट आया होगा उसका स्क्वायर निकाल देना है। तो स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, उस नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके, मीन्स अगर ए आर आर ऑफ आई की हम बात कर रहे हैं तो वो ए आर आर ऑफ आई वापस ए आर आर ऑफ आई से ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो कर लेते हैं, सिंपली हमें सबसे पहले साइज लेना होगा, उसको हम इनपुट कराएंगे, ठीक है फिर हम एरे डिक्लेयर करेंगे। मैं कह रहा हूँ इस वीडियो के बाद कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एरे में, हाँ लॉजिक बिल्डिंग में आ सकती है उसमें मेरा इशू नहीं है, बट एरे के लेकर कोई चीज में परेशानी नहीं आएगी। तो फॉर इंट आई पहले इनपुट ले लेते हैं एरे को, इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है सिंपली हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट को इनपुट ले लेंगे, इंट ए आर आर ऑफ आई। ओके देन इसके बाद अब हमें क्या करना है कि हमें अपनी करंट ए आर आर ऑफ आई, मान लो मैं पहले फॉर लूप लगा लेता हूँ क्योंकि अभी दिखाऊंगा मैं आपको क्या करने वाला हूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है अब हमें क्या करना है कि जो मेरा करंट ए आर आर ऑफ आई है उसको अपडेट कर देना है ए आर आर ऑफ आई इंटू ए आर आर ऑफ आई से, समझ में आ रहा है? मान लो मेरा करंट एलिमेंट जो मैंने डाला हुआ है वो 56 है, तो मुझे 56 को अपडेट करना है 56 इंटू 56, वो जो भी आता हो, मुझे नहीं आता 56 का स्क्वायर फॉर बीइंग ऑनेस्ट। ठीक है तो सिंपली क्या करेंगे हम, ए आर आर ऑफ आई जो भी है अभी करंटली मेरा एलिमेंट, उसको भैया अपडेट कर दो ए आर आर ऑफ आई इंटू मल्टीप्लाई बेसिकली इंटू ए आर आर ऑफ आई अगेन, दैट्स इट। ठीक है ये हमने करना है, उसके बाद अब हमें प्रिंट करके दिखा देना है कि हाँ हमने एक्चुअल में बना लिया ये, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, प्रिंट कर रहे हैं ना हम तो अभी, तो सिंपली मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ, हमें प्रिंट करना है ए आर आर ऑफ आई विथ सम स्पेसेस, दैट्स इट। इसको सेव करेंगे और हम यहाँ पे रन करेंगे अपनी फाइल को। तो अब मान लेते हैं 5 एलिमेंट्स थे, फर्स्ट 7 8 9 5 4 6, तो हमारा 7 का स्क्वायर हुआ 49, 8 का स्क्वायर हुआ 64, 9 का स्क्वायर हुआ 81, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 है ना, तो मेरे को नहीं आते हैं। ठीक है तो ये आ गया बेसिकली, ये हमारा हो गया। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दैट विल बी आर क्वेश्चन फ्रॉम हैकर रैंक होगा, हैकर रैंक से होगा सिंपल एरे सम। ठीक
तो मैं इस URL को कॉपी कर लेता हूँ सिंपली। तो हम इसे कॉपी करके क्रोम पे पेस्ट करते हैं। चलिए इट्स को, तो ओके तो ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है। एरे का एक क्वेश्चन है सिंपल सा, देखें हम इसे कैसे करेंगे। क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमसे कहता है गिवन एरे ऑफ ऑफ इंटीजर्स फाइंड द सम ऑफ इट्स एलिमेंट्स। अब जिनको वेक्टर में परेशानी होती है वो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना कि हमें पैरामीटर में एक वेक्टर पास किया है, ठीक है। हमें पैरामीटर में एक वेक्टर पास किया है, अब हमें इस वेक्टर को इस्तेमाल कर कर ठीक है, इस वेक्टर को इस्तेमाल कर कर हमें क्या करना है, सम निकालना है। बेसिकली सम निकालना, मैंने क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लिया। हाँ ठीक है, सम निकालना है क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे ये लोग प्लस कर रहे हैं, 1 + 2 + 3, ठीक है ओके ओके। तो अब इस वेक्टर को मैनिपुलेट करना है, ट्रीट वेक्टर एज एरे। मैं एक और बार रिपीट करूंगा, ट्रीट वेक्टर एज एरे। सिंपली आप वेक्टर को एरे की तरह ट्रीट करो। बस इसमें ये याद रखना कि इसमें साइज तुम कैसे निकालोगे, जैसे उसमें करते हो ना arr.length कर देते हो, यहाँ पे arr.size कर दो, दैट्स इट, तुम्हें साइज मिल जाएगा। उसके बाद पूरा ट्रेस करो। अभी सब हमने एक सिटी वाला क्वेश्चन अगर आपको याद हो जिसमें हमने एवरेज निकाला था और टोटल नंबर ऑफ सेल्स निकाली थी, तो ठीक उसी तरह से हम इसमें भी करेंगे और हम सम निकाल रहे होंगे। तो आइए मैं एक इंटीजर एन बना लेता हूँ जिसमें मैं arr.size निकालूंगा, ठीक है। मैंने साइज निकाल लिया, अब सिंपली ट्रेस करो पूरे एरे को, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। इजी क्वेश्चन है। अच्छा अब हमें सम स्टोर करना है ना, तो सम के लिए भी हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब हालांकि मैं यहाँ पे लॉन्ग बना सकता था, लॉन्ग लॉन्ग बना सकता था क्योंकि सम बहुत बड़ा भी हो सकता है, बट हमें दिख रहा है कि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप ही इंटीजर है, तो जो सम होगा मेरा वो इंटीजर ही होगा, इसीलिए मैंने सम को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, सिंपल ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं कहूंगा कि जो भी हमारा arr ऑफ आई आएगा एड इट टू सम। arr ऑफ आई आया सम में ऐड कर दो, arr ऑफ आई आया सम में ऐड कर दो। ये मैं C++ में कर रहा हूँ, अगेन मैं रिपीट करूंगा, आप किसी और लैंग्वेज में कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट ये रहेगा, सिंटेक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सम प्लस इज इक्वल्स टू arr ऑफ आई, दैट्स इट, हमें इतना ही करना है, ठीक है सिंपल। आपने इतना करा और यहां से रिटर्न करा दो सम को, दैट्स इट। एक बार रन कोड करके देख लेते हैं, इसमें भी एरर आ गया, तो फिर दीपक आपको पता नहीं क्या करना चाहिए। खैर इसमें एरर नहीं आया है, सबमिट कोड। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, ओके तो सबमिट हो गए, ठीक है बच गए, मतलब ओवरऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स एन एरे और स्ट्रिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन स्ट्रिंग से भी कर सकते हैं, मैंने कहा था मैं एक स्ट्रिंग से भी कराऊंगा। बेसिकली ये मैंने इंटरनेट से लिया था ये वाला क्वेश्चन, गीक फॉर गीक से, तो गीक फॉर गीक्स पर ही हम इसे सर्च कर लेते हैं क्योंकि हमें ये वहां पे मिल भी जाएगा। तो पर मेरे को लगता नहीं कि ये हमारा प्रैक्टिस में हमें दिया होगा। देख लेते हैं। तो ये हमारा वो क्वेश्चन है जो हमें मिल चुका है। बेसिकली हमें एक स्ट्रिंग दी है और इसमें हमें क्या करना, क्या है कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग को रोटेट करके हमें लिखना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम करने क्या वाले हैं, देखो हमें स्ट्रिंग आ रही है और हमें स्ट्रिंग रिप्लेस करके भेजनी है, बट उस स्ट्रिंग में हमें ध्यान ये रखना है कि वो जो भी स्ट्रिंग हम रिटर्न करेंगे इट शुड बी उल्टी, बेसिकली रिवर्स्ड फॉर्म में होनी चाहिए। मींस अगर हमें गीक्स आया है तो हमें स्कीच भेजना है, अगर हमें फॉर आया है तो हमें रॉफ सैंड करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं हाफ स्ट्रिंग को ट्रेस करूंगा एज एन एरे, ठीक है। एरे में क्या करते हैं, एरे को भी ट्रेस करते हैं, मैं स्ट्रिंग को भी एरे की तरह ट्रीट करूंगा और स्ट्रिंग को भी हम ट्रेस करेंगे, पर मैं आधी ट्रेस करूंगा। मान लो साइज 10 है तो मैं 5 तक ट्रेस करूंगा और मैं ना फर्स्ट वाले को रिप्लेस कर दूंगा लास्ट वाले से, सेकंड वाले को 9th वाले से, थर्ड वाले को 8th वाले से, इस तरीके से मैं रिप्लेस करते जाऊंगा, ठीक है। तो हम सिंपली यही करेंगे, स्वैप करेंगे। स्वैप का एक इनबिल्ट फंक्शन होता है हमारे C++ में, आप चाहे तो स्वैप का खुद भी फंक्शन बना सकते हैं। कैसे बनाते थे याद है तुम्हें, हम एक टेम्प लेंगे, टेम्प में arr ऑफ आई डाल देंगे, देन हम arr ऑफ आई में arr ऑफ आई प्लस 1 या फिर जो भी हमें डालना है n-i-1 डाल देंगे, और फिर हम जो टेम्प की वैल्यू है वो arr ऑफ आई में डाल देंगे। ये आप खुद से ही बना सकते हैं वरना यहाँ इनबिल्ट होता है C++ में। ओके अगर जिनको ये समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला, ये उनके लिए जिनको इनबिल्ट फंक्शन नहीं यूज करना है, खुद से बनाना है, तो वो एक बार दो दो तीन बार ढंग से सुनेंगे तो वो खुद से वो फंक्शन बना सकते हैं। ओके सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसका साइज निकालूंगा, तो इंट एन डाल लो, तो वो आएगा str.length से, ठीक है। तो ये हमारा साइज आ गया। अब सिंपली ट्रेस करो पूरी स्ट्रिंग को, इंट आई इज इक्वल्स टू 0,
आई इज लेस देन एन बाई टू, आधा ही ट्रेस करनी है हमें आई प्लस प्लस। सिंपली हमने ट्रेस करी और मैं एक स्वैप फंक्शन चालू कर दूंगा, वो हमारा क्या करेगा, एस टी आर ऑफ आई को रिप्लेस कर देगा हमारे एस टी आर ऑफ एन माइनस आई माइनस वन। ये एन माइनस वन तो हमारा वो हो गया क्योंकि इतनी ही हमारे एलिमेंट इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है, माइनस वन तक। अब इसमें से भी आई को माइनस करो, गलत बटन दब गया, आई एम सॉरी। तो एन माइनस वन तो हमारे टोटल इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या माइनस करना है हमें, आई इथ इंडेक्स जो माइनस करना है, क्योंकि खुद समझो यहाँ पे कि हमारा अगर मैं जीरो इंडेक्स पे हूँ और मेरे को जीरो इंडेक्स को एन माइनस वाले से रिप्लेस करना है एन माइनस वन से, तो एन माइनस वन माइनस जीरो हो जाएगा, तो ये दोनों रिप्लेस हो गए। फिर मैं फर्स्ट इंडेक्स पे हूँ तो मुझे उसे रिप्लेस करना है लास्ट सेकंड वाले से, तो ये फर्स्ट रिप्लेस होगा एन माइनस वन माइनस वन, मतलब एन माइनस टू से रिप्लेस हो जाएगा। तो बिल्कुल सही हमारा मैच बैठ रहा है, तो हम इस तरीके से इन्हें रिप्लेस करते जाएंगे। तो ये हमारा हो चुका है फंक्शन। अब सिंपल ये करने के बाद यहाँ से रिटर्न करा दो अपनी स्ट्रिंग को, दैट इज आर एस टी आर, क्योंकि हमने स्वैप कर दिया ना, स्वैप करने पे वो खुद ब खुद अपडेट हो जाती है। तो ठीक है, बिल्कुल सही है, सबमिट करते हैं। आई होप हो जानी चाहिए, 100 टेस्ट केसेस पास कर दिए हमने सारे के सारे। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। तो हमने सेकंड भी कर लिया। मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ एन एरे हमें निकालना है। तो कैसे हम मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ एन एरे निकालेंगे वो देखते हैं। देखो सिंपली शॉर्ट करना होता है। अब शॉर्ट दिखाता हूँ मैं, देखो सिंपल होता है। शॉर्ट कैसे करते हैं समझो, हम अगर मैं एक एरे बनाऊं, ठीक है, मान लो मैं इसमें ही सब कुछ पास कर देता हूँ, सॉल्व फंक्शन में इसी में बना देते, सॉल्व फंक्शन में। तो इंट एन हम सबसे पहले लेंगे, फिर मैं सीन करूंगा एन को, ठीक है। देन मैं क्या करूंगा, एक एरे बनाऊंगा ए आर ऑफ आई एन साइज का, ठीक है। देन मैं क्या करूंगा, उसको अंदर ले लूंगा बेसिकली एरे के, इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, है ना। तो हम ये सिंपली कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमने किया, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इनपुट ले लेंगे, ए आर ऑफ आई कर देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज जिनको नहीं आती, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट हो जाएगा, ओके, वेरी स्मॉल थिंग। तो हमने ये कर लिया, सीन कर लिया, अपना एरे बना लिया। अब मान लो ये जो एरे है ये अनसॉर्टेड ऑर्डर में आया और हमसे बोला है मिनिमम और मैक्सिमम निकालो इस एरे का, तो वो सिंपली हम कैसे निकाल सकते हैं, एरे को सॉर्ट करो, उसका जीरो इंडेक्स तुम्हें क्या दे देगा मिनिमम, और उसका लास्ट इंडेक्स क्या दे देगा मैक्सिमम। तो सॉर्ट कैसे करते हैं एरे को, सिंपली सॉर्ट फंक्शन लिखते हैं। ये याद रखना मैंने यहाँ पे बिट्स एसटीडी हेडर फाइल इंक्लूड करी है, इसकी मदद से ही मैं ये सॉर्ट फंक्शन लिख पा रहा हूँ जो इनबिल्ट होता है, ठीक है। सॉर्ट ऑफ ए आर आर, और उसके बाद उसका साइज कितना तक जाना है, मतलब फर्स्ट इसमें बेसिकली हम दो चीजें डालते हैं। देखो आप सॉर्ट पे रखोगे ना तो दो इंटीजर्स लेते हैं हमारे, पहला एरे लेता है और दूसरा एरे टिल साइज लेता है, मींस स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स हमारे सारे लेता है, ठीक है। तो ये वहां तक सॉर्ट कर देगा हमारे एरे को, एरे सॉर्ट हो गया सिंपली। अगर अब हमें आउटपुट करना है सी आउट मिनिमम, मिनिमम कितना था, तो वो हमारा हो जाएगा ए आर आर ऑफ जीरो हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। एंडल भी लगा देते हैं एक, और अगर हमें सी आउट करना है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हमारा हो जाएगा लास्ट जो एरे का एलिमेंट है, दैट इज एन माइनस वन, दैट्स इट। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसको अब एक बार रन करके देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। साइज लेट से 5 है और हमारा 8, 5, 1, 5, 6, 2, 8, 9 और 1, 5 हमने दिए, तो मिनिमम एलिमेंट 8 है और मैक्सिमम एलिमेंट 5, 1, 5 है, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने सॉर्ट कर दिया। तो सबसे पहले 8 आया होगा, देन हमारा 15, देन 62, 89, लास्ट एलिमेंट होगा 5, 1, 5। तो उसी के हिसाब से हमने ए आर ऑफ 0 व्हिच इज हमारा मिनिमम, तो 8 हमने प्रिंट कर दिया और मैक्सिमम हमारा 5, 1, 5 हो गया, तो हमने वो प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, ठीक है। नाउ नाउ अब ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ एन एरे यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस, ये एक क्वेश्चन है जो हम इंटरनेट से लेंगे, लिया है बेसिकली। तो वो ये है, मैक्सिमम हमें निकालना है यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस। तो इसकी मैंने शायद फाइल भी एक बनाई थी मिन मैक्स करके, ओके ये रही हमारी। इसमें हमें ये फंक्शन कंप्लीट करना है बेसिकली। देखिए हो क्या रहा है सिचुएशन में, एक बार समझिए। ये सारी फाइल्स मैं गिटहब पे पुश करूंगा और आपको कोड सारा मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करिए, बस एक बार देखिए कि हो क्या रहा है। हमें एक स्ट्रक्चर दिया है
और वो पेयर है बेसिकली जो दो चीजें स्टोर कर रहा है, मिन और मैक्स स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, हमें इस फंक्शन को कंप्लीट करना है, ये मैंने खुद ही लिखा है। ठीक है, ड्राइवर कोड हमें दिया है मेन, और उसके बाद हमें एक एरे दिया है जिसका साइज 1 2 3 4 5 6 है। ओके, एरे साइज हमें 6 दिया है। ठीक है, हमें पेयर रिटर्न करेगा ये गेट मिन मैक्स फंक्शन, जो हमें देगा, जो हमें एआरआर दे रहा है और एआरआर ऑफ साइज दे रहा है। ठीक है, हमें मिनिमम एलिमेंट हाथ देना है और मैक्सिमम एलिमेंट देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो, देखते हैं हम इसे कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले तो समझो पेयर क्या होते हैं। पेयर कुछ नहीं, नाम से पता चल रहा है कि पेयर कैरी करेगा दो चीजों को। ठीक है, हो सकता है वो पेयर दो वेक्टर्स को कैरी करे, दो इंटीजर्स को कैरी करे, दो कैरेक्टर्स को कैरी करे, दो बुलियंस को कैरी करे, इट डजंट इवन मैटर, बट इट कैरीज टू थिंग्स। ठीक है, टू डेटा टाइप्स बेसिकली। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारा इंटीजर मिनिमम कैरी कर रहा है और सेकेंड मैक्सिमम, इंटीजर मैक्सिमम कैरी कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें सोचो, अब बस मेरे साथ सोचना है। ठीक है, तुम्हें इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो हमने इसे पहले वाला किया मैं मैक्स, उसमें तो बड़ा दिमाग लगा लिया, सीधे हमने सॉर्ट करा। ठीक है, और जीरो और एन माइनस वन मतलब वहां गया नहीं। ठीक है, वो तो हमने लगा लिया, बट इसमें क्या करेंगे देखो, सबसे इसमें भी छोटी छोटी चीजें हम अप्लाई कर रहे होंगे। चेक करो सबसे पहले कहीं साइज 1 ही तो नहीं है, क्या पता एक ही हमारा क्या हो, एलिमेंट हो एरे के अंदर। तो भाई साहब वही मिनिमम वही मैक्सिमम, तो वही चेक कर लेते हैं हम कि इफ एन इज इक्वल्स टू 1, अगर ऐसा होता है तो उस केस में हमें क्या करना है, एक पेयर रिटर्न करना है। तो पहले पेयर बना लेते हैं। ठीक है, पेयर का नाम हम रख लेते हैं स्ट्रक्ट, क्योंकि वो स्ट्रक्ट से आ रहा है, और स्ट्रक्ट पेयर है ना, कैपिटल पी। ओके, पेयर, और नाम रख लेते हैं हम इसका मिन मैक्स रख लेते हैं, फंक्शन का नाम, फाइल का ही नाम जो हमारा मिन मैक्स है। ठीक है, तो हमने ये रख लिया। अब सिंपली हमें क्या करना है कि मैं ये क्यों बेटा ये कर रहा है, ये थोड़ा ना करने की जरूरत है, नहीं तो हम ये हटाएंगे। देन हम सिंपली चेक करेंगे कि इफ अगर एन की एन डबल इक्वल्स टू 1 होता है तो हमें क्या करना है, मिन मैक्स जो हमने बनाया है उसका जो मिनिमम है उसको बराबर कर देना है हमें अपने ए आर आर ऑफ 0, बेसिकली जो हमारा एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, और जो मिन मैक्स ऑफ मैक्सिमम है उसको हमें बराबर कर देना है ए आर आर ऑफ 0, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा और वही हमारा सबसे छोटा एलिमेंट हो जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आती हैं आई होप। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे देखो, अब मान लो कि हमारा जो एक से ज्यादा है, क्योंकि अगर यहाँ पे हुआ तो हम तो सीधे रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न तो लिखा ही नहीं हमने, रिटर्न कर जाओ मिन मैक्स को, तो ये तो हमने सिंपल कर दिया मिन मैक्स को रिटर्न। पर अगर क्या होता है कि मान लो हमारा जो मिनिमम है बेसिकली, जो हमारा एन का साइज है वो एक से बड़ा हो गया, तो मतलब हम क्या करने वाले हैं, हमें मिन मैक्स में दो अलग अलग वैल्यूज भेजनी पड़ेंगी। तो पहले उन्हें इनिशियलाइज कर लेते हैं, मान लो 100 साइज का एरे था, आई डोंट इवन केयर, बट हमें पहले 2 का हैंडल करना है, क्योंकि 2 का अगर मैंने हैंडल कर लिया तो वो बाकी मैं फॉर लूप में हैंडल कर ले जाऊंगा। बेस केस हमने देख लिया, बेस केस नहीं मतलब स्टार्टिंग केस के, अगर एन की वैल्यू 1 हो गई, एरे मतलब एक ही है, मैं लेस देन इक्वल टू 1 भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, बट मान लो कि अभी एक है, क्योंकि 0 साइज का एरे बहुत मुश्किल होता है मिलना। ठीक है, तो हमने ये ये करा। ठीक है, फर्स्ट वाले में हैंडल कर लिया कि एन की वैल्यू अगर 1 है तो वो गेट मिन मैक्स का मिन को 0, और वही मतलब जो एलिमेंट है उसके अंदर वही मैक्सिमम है वही मिनिमम है, और उसे पेयर में डाल के हमने भेज दिया। अब मान लो एक साइज ज्यादा है, मतलब 2 3 4 कितना ही हो, पर मैं पहले 2 पे मैनेज करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को मिन मैक्स के मिनिमम और मैक्सिमम में वैल्यू असाइन करनी है, ताकि मैं फॉर लूप के अंदर कंपैरिजन कर सकूं कि भाई साहब छोटा है या बड़ा है। ठीक है, वो मैं हैंडल करूंगा फॉर लूप के अंदर, उसको तब देखेंगे, बट अभी हमारा फोकस किस चीज पर है कि हम पहले 2 जो मिन मैक्स हमें मिले हैं, मतलब मिन मैक्स का मिनिमम और मिन मैक्स का मैक्सिमम, इन दोनों की वैल्यूज फिल कर दूं, ताकि मैं बाद में कंपैरिजन कर पाऊं। बहुत बार अपने आपको रिपीट किया है, आई होप चीजें क्लियर हुई हैं। तो मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, आई बेसिकली डोंट नो द स्पेलिंग ऑफ इनिशियलाइज। हाँ ठीक है, सही लिखिए आई होप। तो सिंपली मैं चेक कर रहा हूँ कि ए आर आर ऑफ 0 जो है, अगर वो बड़ा निकलता है हमारे ए आर आर ऑफ 1 से, क्योंकि 2 पे चेक कर रहा हूँ ना मैं, उसके बाद तो मैं फॉर लूप लगा ही लूंगा। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मिन मैक्स का जो मिनिमम है वो बना दूंगा मैं ए आर आर ऑफ 1 को। ठीक है, और मिन मैक्स का जो मैक्सिमम है वो मैं बना दूंगा ए आर आर ऑफ 0 को। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई हैं। ठीक है, तो ये चीज तो हमें समझ में आई कि हमने क्या किया, मिन मैक्स के मिनिमम को ए आर आर ऑफ 1 कर दिया क्योंकि वो छोटा था। लेकिन मान लो ऐसा नहीं हुआ, इसका उल्टा हुआ कि वो हमारा ए आर ऑफ 0 छोटा निकलता है ए आर ऑफ 1 से, तो हम इसका उल्टा कर देंगे। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और इसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमारा ए आर ऑफ 0 हो जाएगा,
और यहाँ हमारा ए आर आर ऑफ 1 हो जाएगा। तो ये हमने इनिशियलाइज कर दी वैल्यूज को, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब तो सिंपली हमें क्या करना है, ट्रेस करना है। ट्रेस करो फॉर लूप में, है ना। ट्रेस फॉर लूप बेसिकली ट्रेस करना है हमें एरे को फॉर लूप की मदद से। तो हम सिंपली ट्रेस करेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू, जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे अब की बार, क्योंकि हमने जीरो और वन पर काम कर लिया है ऊपर इफ एल्स केस में। तो हम स्टार्ट करेंगे टू से। तो आई इज इक्वल्स टू टू, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे सिंपली चेक करते जाओ, क्या चेक करना है हमें कि अगर हमारा जो ए आर आर ऑफ आई है, आई एम सॉरी मेरे से शिफ्ट और ए दब गया। तो अगर हमारा ए आर आर ऑफ आई हमारे जो मिन मैक्स के मैक्सिमम है, मिन मैक्स का जो मैक्स है उससे बड़ा निकलता है, ठीक है, तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, सिंपली कुछ मत करो, जो हमारा ए आर आर ऑफ आई है वो मिन मैक्स के मैक्सिमम में ए आर आर ऑफ आई को डाल दो। तो मिन मैक्स का जो मैक्सिमम है उसमें ए आर आर ऑफ आई को डाल दो, दैट्स इट। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपली सिंपली कुछ मत करो, तुम मिन मैक्स के मिनिमम में, आई एम सॉरी, हाँ एल्स, 2 मिनट, एल्स करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एल्स इफ ही यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एल्स इफ, एक केस और डाल देता हूँ जिनको लग रहा है ये कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैं इसके बाद एक और बार रिपीट करूंगा तो वो चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। बस एक बार सुन लो मुझे कि ए आर आर ऑफ आई हमारा लेस देन अगर होता है किससे, मिन मैक्स के मिनिमम से, मतलब कि जो हमारे करंट एलिमेंट लिया उससे भी छोटा निकलता है, तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, अपने मिन मैक्स के मिनिमम में, अपने मिन मैक्स के मिनिमम में किस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, अपने ए आर आर ऑफ आई को सब्सटीट्यूट हम कर देंगे। बस सिंपली हमें यही करना है, ठीक है। और ये करने के बाद हम कर जाएंगे रिटर्न पेयर के साथ। हमारे पेयर का नाम क्या था, मिन मैक्स, तो ये हम रिटर्न कर जाएंगे। सिंपल हमने यही किया है, ठीक है। एक बार मैं फिर से कोड रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास गेट पेयर, हमने सबसे पहले पेयर बनाया, फिर हमने वन पर चेक करा कि एन की वैल्यू 1 है क्या, मतलब कि साइज ऑफ द एरे अगर 1 निकलता है, तो हमने क्या किया, अपने मिन मैक्स के मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में ही हमने ए आर आर ऑफ 0 डाल दिया, ठीक है, ओके। देन उसके बाद मैंने डायरेक्ट फॉर लूप स्टार्ट नहीं करा, क्योंकि मुझे पता है मेरे को इनिशियलाइज करनी है अपनी मिन मैक्स की वैल्यू को। तो वो इनिशियलाइज कैसे होगी, वो इनिशियलाइज करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, 0 और 1 में कंपैरिजन कर लिया, 0 इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स पर कंपैरिजन कर लिया। अगर ए आर आर ऑफ 0 बड़ा निकलता है ए आर आर ऑफ 1 के, तो मिन मैक्स का जो मैक्सिमम होगा वो ए आर आर ऑफ 0 हो जाएगा, और मिन मैक्स का जो मिनिमम होगा वो 1 हो जाएगा, या फिर वाइस वर्सा इफ एल्स केस में देख सकते हैं। फिर फॉर लूप को हमने 2 से स्टार्ट करा, क्योंकि 0 और 1 का कंपेरिजन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट कर हम एन तक गए, और मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ क्या हमारा ए आर आर ऑफ आई मिन मैक्स के मैक्सिमम से बड़ा है। अगर आप बड़ा निकलता है तो मैं मिन मैक्स के मैक्सिमम को ए आर आर ऑफ आई कर दूंगा, और अगर हमारा ए आर आर ऑफ आई छोटा निकलता है मिन मैक्स के मिनिमम से, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मिन मैक्स के मिनिमम को ए आर आर ऑफ आई कर दूंगा। सिंपल एज दैट, सिंपल मैथ्स लगाइए। जो पीछे वाला क्वेश्चन था जिसमें हमने कंपैरिजन किया था, जिसमें हमने मैक्सिमम और मिनिमम निकाले थे एक एरे के अंदर, हमने इसमें भी वही काम किया है, बट इसमें हमने पेयर का यूज किया। तो आपको एक नई चीज समझ में आई, ठीक है। हर क्वेश्चन मैंने ऐसा उठाने की कोशिश की है जिसमें आपको एक नई नई चीज देखने को मिले, जिनसे आपको डर लगता है जब आप GFG पर जाते हो, जब आप हैकर रैंक पे जाते हो, जब आप ऐसे ही लीड कोड पे जाते हो, ऐसे ही जगह पर जाते हो जहाँ पे आपको फंक्शंस लिखने होते हैं बेसिकली। तो जब आप पैरामीटर में पेयर पास होकर आता है तो डर लगता है आपको, जब पेयर रिटर्न करना होता है तब थोड़ा डर लगता है, मुझे भी लगता था, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो इससे आपके वो डर निकल जाएगा कि हमने यहाँ पे पेयर रिटर्न करा दिया है, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा ना तो मेरे को आउटपुट बिल्कुल सही मिलेगा। तो हमें मिल रहा है मिनिमम एलिमेंट इज 1 एंड मैक्सिमम एलिमेंट इज 3000। तो एक बार देख लेते हैं क्या ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, हमने एरे में क्या क्या लिखा था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं इसे 3000 से बढ़ाकर 99999 करके सेव करके दोबारा रन करूंगा, तो आई होप ये अब हमें बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तो ये काम कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर होता है। मैं 5 मिनट्स का ब्रेक लेता हूँ, फिर वापस आता हूँ।